हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नर्सिंग के लिए टेस्ट होने वाला है उसके लिए 2017 के क्या कट ऑफ थे, जो GNTST और PNST जो एग्जाम होने वाला है, तो और साथ ही साथ कितनी वैकेंसी थी 2017 में, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए पहले हम बात करते हैं जनरल नर्सिंग जो प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर, उनमें प्रवेश हेतु कितना जो कट ऑफ रहा था। फ्रेंड्स, जो जनरल का रहा था, जो अनरिजर्व रहा था, वो 58 रहा था। और फ्रेंड्स, ये 150 में से है, ठीक है, 150 में से। SC का था 55, ST का, शेड्यूल ट्राइब का 53, और अन्य पिछड़ा वर्ग का OBC का था 57 कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जो GNST, जो जनरल नर्सिंग एंड जो एडवाइजरी डिप्लोमा होता है, उसके लिए कितना कट ऑफ गया था और कितनी क्या सीट थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ था वो 150 में से 60 था, जिसमें 440 सीट थी। SC के लिए 56 था, जिसके लिए 152 सीट थी, और ST के लिए 54 कट ऑफ था, जिसके लिए 191 सीट थी, और OBC के लिए 58 था, जिसके लिए जो सीट थी 116, यानी कि 116 सीट थी। तो फ्रेंड्स, ये जो अब आप देख सकते हैं ये कट ऑफ कितना क्या रहता है इसका, और आपको सिलेबस तो इसका मालूम ही होगा जो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, तो इसमें ये सब 30-30 मार्क्स के आएंगे, तो कुल टोटल ये 150 मार्क्स का है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर, हमने इसके लिए जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए और भी वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन होगा छोटा सा, जिसको आप दबा दें, जिससे कि हमारे हम जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।